So when I came back, I had no intentions to stay here and work in this country, but I wanted to go back and do more things. But when I came back, I actually got to know that my parents were going through a separation, and I had to hold on to my dreams, and I have to think that what I need to do, and if I can move from this country, because I had a younger sister to look after. And that's when I realized that I can't go back, and whatever I want to do is within this country's boundary. And that's when I applied for the job as a hairdresser to a brand, because before that I had no intentions to do anything over here, because as a hairdresser they have different sorts of variations of job abroad. But over here, it's just you open up your salon and do your job, okay? But over there, we have various departments to work as a hairdresser or as an hair artist. So yeah, fortunately, I was fortunate enough to get the right opportunities over here too, and that's when I started a job as a technician and hair educator in a brand over here. So after working for that brand for 4 years, I decided to go back and do my makeup courses. So जब makeup course करके मैं पाकिस्तान आई तो मुझे लगा कि as a makeup artist यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्राइडल बिजनेस का ट्रेंड है एंड पीपल आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट. In fact, lots of money. But I was never interested in doing brides. Like, जिस तरह का मैं इंसान हूँ ना, मैं सैलून में भी टिक के एक जगह काम नहीं कर सकती. तो आई वर्क विद डिफरेंट हेयर ब्रांड्स एंड ब्यूटी प्रोडक्ट ब्रांड्स, लाइक मेकअप के ब्रांड्स एंड एवरीथिंग. उनके लिए बहुत काम किया, ब्यूटी एक्टिविटीज़, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, मेकअप वर्कशॉप्स, हेयर वर्कशॉप्स, और उसके अलावा जो है वो फिर शूट्स चल रहे होते हैं बैक टू बैक, और कुछ ना कुछ फिर सैलॉन पे अपॉइंटमेंट्स चल रहे होते हैं. तो समथिंग और दी अदर, आई एम हॉपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. एंड देन थैंक्स टू सोशल मीडिया, नाउ तो वी एज अ सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट ऑल्सो हैव आर ओन प्रमोशनल थिंग्स गोइंग ऑन. सो या समथिंग और दी अदर इज हैपनिंग एवरी अदर डे, एंड एवरी डे इज अ न्यू डे. एवरी डे वी डू डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ वर्क, डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी. समटाइम्स आई एम स्केचिंग द स्टाइल फॉर सम न्यू कैरेक्टर फॉर एनी सेलिब्रिटी एज अ स्टाइलिस्ट, दैट हाउ शी वुड कीप हर हेयर फॉर दिस प्रोजेक्ट. किस तरह उनका मेकअप होगा, किस तरह उनके बाल होंगे, किस तरह वो कपड़े पहनेंगी. एक इमेजिनेशन होती है, उसके ऊपर हमें काम करना होता है एज अ स्टाइलिस्ट. और समटाइम्स किसी म्यूज़िक वीडियो के ऊपर काम हो रहा होता है, कभी किसी ब्रांडेड शो के लिए स्टाइलिंग डिसाइड हो रही होती है. तो सेलिब्रिटी का अपना अपना स्टाइलिस्ट है जिसके साथ वो कंफर्टेबल है काम करने में, और स्टाइलिस्ट भी उनके साथ कंफर्टेबल है. सो बैक इन दोज डेज व्हेन आई स्टार्टेड, इट वाज नेवर लाइक दिस. एंड हमें हर किसी के साथ काम करना होता था, और बहुत सारी चीज़ें हेव आई थी. अब बहुत स्ट्रक्चर्ड चीज़ें चल रही होती हैं, ऑन बोर्ड होती हैं, एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, एडवर्टाइजिंग एंड पीआर एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, और पूरी एक प्रॉपर एक सेलिब्रिटी के पीछे टीम चल रही होती है. पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो ऐसा नहीं था, और अब चीज़ें बहुत बेहतर हैं और बहुत इनफैक्ट ईजी हो चुकी हैं. सो राइट व्हेन आई केम बैक फ्रॉम माई मेकअप कोर्स, आई रियलाइज कि पाकिस्तान में तो मेकअप आर्टिस्ट के लिए मार्केट ही सिर्फ ब्राइडल है, और ब्राइडल तो मुझे करना नहीं था, मेरा इंटरेस्ट नहीं था. तो आई स्टार्टेड फाइंडिंग वेज कि मैं किस तरीके से किसी और डिपार्टमेंट में मेकअप कर सकती हूँ. और फिर उसके बाद मैंने सेलिब्रिटी मेकअप करना शुरू किया, जिसमें मैंने ड्रामा मेकअप, टीवीसी मेकअप, फैशन शूट्स मेकअप, फिर ऐसे ऐसे इवेंट्स एंड शोज़ एंड ब्रांडेड शोज़, देन बैक स्टेज, एंड इट जस्ट वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एंड देर वॉज नो लुकिंग बैक. एंड देन आफ्टर दैट लास्ट अब तो फिल्म्स भी बन रही हैं, तो अब हम फिल्म्स भी कर रहे हैं एज अ सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर आर्टिस्ट. एंड अब काम बहुत इंटरेस्टिंग है, पहले बहुत डिफरेंट तरीके से होता था.
पहले जो है वो आपको एज अ मेकअप आर्टिस्ट आप हेयर भी देख रहे हैं, मेकअप भी देख रहे हैं, समटाइम्स वार्डरोब भी देखनी पड़ रही है, एक्सेसरीज भी देखनी पड़ रही है, और कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह के ज़्यादा थे नहीं कि मेकअप आर्टिस्ट जो है वो स्क्रिप्ट पढ़े और उसको कैरेक्टर को समझे और उसके हिसाब से उसकी स्टाइलिंग करे, क्योंकि एज सच इतने एजुकेटेड मेकअप और हेयर आर्टिस्ट मौजूद नहीं थे इंडस्ट्री में. बट नाउ इट्स वेरी डिफरेंट. नाउ वी कंसीव द कैरेक्टर्स, वी सिट विद राइटर्स, वी सिट विद डायरेक्टर्स, वी सिट विद एक्टर्स, और बहुत सारी चीज़ें पहले से प्रिपेयर होती हैं. एक पूरी स्टाइलिंग बोर्ड टीम बैठती है, पीपीएम्स बनते हैं और अप्रूव होते हैं. तो यू नो इट्स काइंड ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एज अ स्टाइलिस्ट टू वर्क विद ऑल द सेलिब्रिटीज़. और व्हेन आई स्टार्टेड वी वर वर्किंग विद एवरी सेलिब्रिटी, बट अब ये होता है कि यू नो देर आर 5-6 सेलिब्रिटीज साइंड विद यू, और मे बी यू नो देर कम्फर्टेबल विद यू विद देयर स्टाइल ऑफ you know doing hair and makeup with you. So it's much more easier and ab kaam milna bhi isliye bahut aasan hai ki pehle aapko khud bhag daud karke projects lene hote the, aur ab jo hai wo it has become much more easier through the advertising agencies, PR agencies, and obviously you know when you sign a celebrity you automatically get the projects which they are doing. So it's altogether a different ball game right now in the industry, and it's I'm glad that I am I was the person who started the industry at that time, and I saw all of these changes while I was going through this journey, and now you know I am working in this environment where we are so facilitated with so many things, and you know when I go back and see the hard work of doing everything on your own, I feel that we are blessed now.